नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज इस कैप्सूल के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके साक्षरता, यानी कि साक्षरता से संबंधित कौन कौन से बिंदु आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक एग्ज़ाम में या तो जनसंख्या घनत्व या फिर लिंगानुपात या फिर साक्षरता, फिर जनसंख्या से संबंधित कोई ना कोई फैक्ट ज़रूर आता है। आज जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा साक्षरता पर। तो पहला वन लाइनर क्वेश्चन है कि राजस्थान की साक्षरता कितनी है, तो ये याद रखिएगा 66.1%। सीधा सीधा वन लाइनर फैक्ट है कि राजस्थान की साक्षरता है जनगणना 2011 के अनुसार 66.1%। अब इनके अंदर से और गहरे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये बनता है कि राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता कितनी है, तो याद रखिएगा 61.44%। एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की शहरी साक्षरता कितनी है, तो याद रखिएगा 79.48%। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आएगा तो सभी से हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं कि राजस्थान की साक्षरता कितनी है, 66.1%। ये थोड़े अलग से क्वेश्चन है कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण साक्षरता कितनी है, तो याद रखिएगा 61.44, और शहरी साक्षरता पूछे तो 79.48%। इसके अलावा कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सर्वाधिक साक्षरता है, तो याद रखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला है कोटा, और कोटा की कितनी है साक्षरता, तो भी याद रखिएगा 76.6%। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा जालोर, और कितने प्रतिशत, तो 54.9%। चार फैक्ट हैं, राजस्थान की साक्षरता 66.1%, ग्रामीण साक्षरता 61.44, शहरी साक्षरता 79.48%, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा कितना, तो याद रखिएगा 76.6%, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो वो है जालोर 54.9%। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन, जैसे ये आपको पूछ लेगा कि पुरुष साक्षरता कितनी है। भाई एक तो राजस्थान की साक्षरता होती है 66.1%, उसके अलावा ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो गया, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो गया। अब आपको यहां से और क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष साक्षरता कितनी है, तो याद रखिएगा 79.20%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर डायरेक्ट यहां से फैक्ट पूछ लेता है कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता है, तो 79.20% याद रखिए। अच्छा, इसके अंदर भी यदि गहराई से पूछ ले कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा झुंझुनू, और कितने प्रतिशत, तो 86.9%। आपको पूछ ले न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रतापगढ़। वैसे प्रतापगढ़ भी है और बांसवाड़ा है, क्योंकि दोनों का प्रतिशत है आपके 69.5%। ये बात समझ में आई, पुरुष साक्षरता कितनी है 79.20%, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है, झुंझुनू, न्यूनतम पुरुष साक्षरता किस जिले की है, प्रतापगढ़, और अगला है आपके महिला साक्षरता वो कितनी है, तो याद रखिएगा 52.12%। 52.12%, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा कोटा, और कितनी साक्षरता है, तो वो है आपके 65.9%। और अगला है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला, याद रखिएगा ये कौन सा है, यहां पर है आपके न्यूनतम, सर्वाधिक वाला, और ये है आपके न्यूनतम, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा जालोर, और कितना, तो 38.5%। क्लियर हुई? देखिए, सबसे पहले राजस्थान की साक्षरता हमने देखी, उसके अलावा हमने ग्रामीण साक्षरता, फिर हमने शहरी साक्षरता, उसके अलावा फिर इसके अंदर हमने पढ़ा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, इसके अलावा हमने पढ़ा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, फिर इसके अंदर पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक और न्यूनतम, और पुरुष साक्षरता कितनी है, और तीन फैक्ट यहां से पढ़े कि महिला साक्षरता कितनी है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। क्लियर? ये सारे फैक्ट थे आपके किससे संबंधित, साक्षरता से संबंधित। अब आप कहते हैं सर, इस प्रकार से
आपके किसी बुक में भी लिखा हुआ क्या? बिल्कुल, थर्ड ग्रेड विशेष की आप सभी जानते हैं दो बुक है हमारी, एक तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति दोनों समाहित है, दोनों साथ में ही हैं, और एक है आपके राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था जो आपके बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है। आप जब बुक स्टोर पर जाएंगे तो बिल्कुल थर्ड ग्रेड लिखा हुआ है और यहाँ पर ये सिलेबस लिखा हुआ है। पहले आप जाइए बुक को देखिए आराम से, पेज वेज की क्वालिटी बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ बोर्ड पर डिटो उसी प्रकार इस बुक में लिखा हुआ है, चाहे वो जियोग्राफी की हो, चाहे वो इतिहास और चाहे कला संस्कृति हो, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित। अच्छा, दूसरी बात आपके लिए और कि ये जो भूगोल और अर्थव्यवस्था है ना, इसके अंदर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप जब बुक लेंगे तो अंतिम में आप खोल के देखिएगा, ठीक है। जैसे अंत में आप इस बुक के पेज खोलेंगे ना तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े लिखा हुआ है पूरी पूरी योजनाएं, ठीक है, योजनाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके अनुसंधान केंद्र और ये जो नए बिंदु जुड़े हैं ना आपके प्रतीक वगैरह, वो सारे पीछे वाले पृष्ठ पर बिल्कुल लिखे हुए हैं, सिक्वेंस में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि इसके अंदर वो है कि नहीं है। तो योजनाएं सारी है, प्रतीक है, अनुसंधान केंद्र है, सब कुछ अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये इतिहास और कला संस्कृति और ये आपके भूगोल और अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कैप्सूल में, तब तक के लिए धन्यवाद।